यूट्यूब देख करके, वीडियो देख करके, किसी के समझाने पर फार्मिंग कतई न करें। बहुत टफ बिजनेस है और बहुत बढ़िया बिजनेस है। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे दिखा दें कि यहाँ पे प्रधान जी का मुर्गा सेलिंग भी हो रहा है, तो कैसे हैं सर जी? बढ़िया है। ये जो आप मार्केटिंग कहाँ कर रहे हैं, ये जो कटर या होलसेल में कहीं सप्लाई करें? होलसेल सप्लाई 100 पीस उठा रहे हैं यहाँ से, अभी 300 पीस उठा रहे हैं। तो आपका डेली का सेलिंग होता है? डेली बढ़िया सेलिंग है। डेली बढ़िया सेलिंग है, 700 डेली का सेलिंग। ओके ओके, बहुत बढ़िया सर। दोस्तों नमस्कार, यूनिक फार्मिंग एडेज के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आए हुए हम कुशीनगर में, और कुशीनगर में प्रधान जी के फार्म पे आए हुए हैं, जिन्होंने डबल एफ जी मुर्गी का पालन अभी फिलहाल किए हुए हैं। सर का एक्सपीरियंस बेहद ही अच्छा है मुर्गी पालन में, इन्होंने देसी पोल्ट्री फार्मिंग भी किया, ब्रॉयलर भी किया, और सडनली अभी डबल एफ जी ट्रिपल एफ जी मुर्गी पालन कर रहे हैं। तो आइए एक छोटा सा अनुभव सर से लिया जाएगा कि कौन सा बर्ड पालने में बेनिफिशियल है, कौन सा बर्ड कितना दिन में आप तैयार कर सकते हैं, इसके पूरे विषय में बात करेंगे। उसके पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर मेरे चैनल आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप बैक साइड में यहाँ पे दिखा दे, तो बैक साइड में आप देख सकते हैं दो सर का फार्म है, और दो फार्म में लंबा लंबा फार्म है, और इसमें डबल एफ जी सर मुर्गी पालन कर रहे हैं। सर नमस्कार जी। सर नमस्कार। सबसे पहले सर थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स के लिए अपना थोड़ा सा एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। जी मेरा नाम जाकिर हुसैन है, मेरा घर चखनी मिसिर है जी, जिला कुशीनगर पड़ता है। ओके। और हमारे बगल में जो मार्केट है वह एक तमकुही रोड है, बगल में पड़ता है, और एक तमकुही राज पड़ता है। यहाँ पे हम सर आपका देख रहे हैं कि दो फार्म है जी। आप फार्मिंग लाइन में कब से हैं सर? जी एक साल से ऊपर हो गया। एक साल से ऊपर हो गया आपको फार्मिंग लाइन में जी, जी। आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना चाहें, आप इसके पहले सर कौन काम कर रहे हैं? प्रधान जी, आप प्रधान जी के नाम से आप जाने भी जाते हैं जी जी। तो क्या आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड है सर? जी देखिए, मैं 2010 से लेकर के जी सन 2020 तक लगातार दो बार प्रधान रहा जी। हमारे एक बड़े भाई साहब हैं, वो BDC भी रहे जी। गांव हमारा आरक्षण में अनुसूचित हो गया। ओके। इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ा जी। अब मैं अपने ही ज़मीन पर पोल्ट्री के बिजनेस में आया हूँ, और इसी में अपना जो व्यय किया हूँ, और एक नया उद्योग, एक नया रोजगार सृजित किया हूँ। तो यहाँ पे सर कितनी मुर्गियों को रहने के लिए जगह है? जी मेरा इस साइड में फार्म है 4000 square foot का। ओके। इस साइड में फार्म है हमारा 3000 square foot का। टोटल 7000 square foot का हमारा फार्म। टोटल अभी 7000 square feet का आपका फार्म है सर जी, जी। तो आप एक साल पहले से सर कर रहे हैं जी। अब तक सर इसके पहले आपने कितना लॉट निकाल चुके हैं, और कौन कौन सा बर्ड निकाले हैं सर अपने फार्म पे? देखिए सबसे पहले हम इसमें डाले थे डबल एफ जी हमने डाला, उसको 2 kilo प्लस किया। प्लस करने के बाद हमने उसका बिक्री किया। उसके बाद से हमने ब्रायलर पाला, उसका भी बिक्री किया। उसके बाद से फिर हमने ब्रायलर डाला, उसका भी बिक्री किया। उसके बाद फिर हमने डबल एफ जी डाला, और इस समय 3FG डाले हुए हैं। इस समय 3FG डाले हुए हैं जी जी। अभी सर आप मार्केटिंग कहाँ कर रहे हैं? अब लोकल में ये है कि मान लीजिए 200, 400, 500 मुर्गी आप लोकल में बेच सकते हैं जी, तो उससे किसान को अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन हमारा फार्म 7000 square foot का है, हम 5000 chicks डालते हैं, हमारे पास 100 quintal माल तैयार होता है जी। तो हम लोकल के भरोसे अपनी फार्म नहीं चला सकते हैं, हमको थोक बेचना पड़ता है। हमारे बगल में एक मार्केट है तमकुही रोड, बगल में है एक तमकुही राज, एक तरिया सुजान है, एक भुलिया अगरवा है, एक लतवा चट्टी है, हमारे बगल में फाजिल नगर है, हमारे बगल में तुरपट्टी है, गुरवलिया है, दुधई है, सलमगढ़ है। बगल के जो हमारे कट्टर भाई आते हैं थोक से कुछ ज़्यादा दे करके जा करके फुटकर में बेचते हैं। इस समय तो मैं यही मार्केट कर रहा हूँ। अभी जो आपके पास बर्ड है सर 3FG है जी, इनको डाले हुए कितना समय हो गया, और अभी इनका वेट क्या आ चुका है? ये आज 62 दिन के हो गए। 62 दिन के हो गए जी। इनका वेट अभी, बॉडी वेट कितना आ चुका है?
2 किलो 200 ग्राम 2 किलो 200 ग्राम जी, ऑन एवरेज। ऑन एवरेज मतलब लगभग सब बर्ड का आ चुका है जी। ओके, इसके पहले आपने डबल एफ जी का भी पालन किया था जी, तो डबल एफ जी और ट्रिपल एफ जी में क्या फर्क है सर? जैसे फार्मिंग के नियत से जो गांवों में मुर्गियां मिलती हैं जी, 2, 4, 5 हर घरों में ज्यादातर मतलब गांव में मिलेंगी जो बैकयार्ड मुर्गी पालन करते हैं, वो ज्यादा डबल एफ जी का ही मतलब च्वाइस करते हैं, क्योंकि 3 FG से ज्यादा वो थोड़े फुर्तीला होता है, आक्रामक थोड़े से फुर्तीले होते हैं। हाँ, उसको तेज कहा जाएगा, उसकी एक्टिविटी तेज रहती है भागने में कूदने में। ओके, जिसको मतलब कोई जानवर चाह करके भी नहीं पकड़ पाता है, बस इतना ही अंतर है, उसका एक्टिविटी थोड़ा तेज। ग्रोथ में भी कोई फर्क पड़ता है सर? 1 हफ्ता का अंतर रहता है, 1 सप्ताह का अंदर रहता है। हमारा 3 FG 60 दिन में होता है जी, और वो 65 दिन से 70 दिन में होता है, तैयार होता है जी। ठीक है सर, तो लेकिन यहीं पर रुक जाइए, अगर हम देसी को देसी का फीड खिला करके पालेंगे तो 65 से 70 दिन लगेगा। ओके, अगर ब्रायलर का फीड खिला करके उसको पालते हैं जी, तो उस 57 दिन में 2 kg हो जाएगा। अच्छा जी, ये अंतर है, एक समय सीमा है कि वो इतना ही दिन में 2 kg होगी। ओके, अब हम उसको हाईटेक भोजन दे करके जबरदस्ती तैयार करेंगे, जो कि बॉयलर फीड में आता है, जो बॉयलर फीड में आता है, तो मेरा कास्ट तो ज्यादा आ गया जी। तो जब कास्ट ज्यादा आ जाएगा तो मुझको मुनाफा नहीं होगा, मुनाफा नहीं होगा। तो जिसके लिए जो फीड बना है जी, वही फीड हम देंगे, तो अपने समय पर जब वो मुर्गी मैच्योर होगी तो उसका मीट भी टेस्टी होगा जी, लागत भी कम आएगा, समय ज्यादा लग सकता है। और दवा का बगैर वैक्सीन का फार्मिंग तो संभव नहीं, संभव नहीं। ओके, अभी जो आपके पास सर मुर्गी है, इनको तैयार करने में केजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना कॉस्टिंग पड़ रहा है? ये आपका अच्छा सवाल है। 1 kg तैयार करने में 120 रुपया 120 रुपया पर मुर्गी को जी। अभी तक सर इनको डाले हुए लगभग, और वही मुर्गी जब 2 kg की हो जाएगी जी, तो 20 रुपया जो चिक्स का ज्यादा हो रहा है जी जी, वो घट जाएगा। ओके, 200 रुपया में 2 kg का मुर्गा जी 2 किलो तैयार हो जाएगा। 200 रुपये में 2 kg का मुर्गा तैयार हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ओके, वो भी मेरा अपना मतलब फार्म की बात कर रहा हूँ, अपना अनुभव से जी जी, मुझसे भी अनुभवी फार्मर है पश्चिम में, जो 2 किलो का मुर्गा 180 रुपया में तैयार कर लेते हैं जी। फार्मिंग में जिसको जितना अनुभव होगा जी, वह उतना ही पैसा कमाएगा कमाएगा। जैसे मेरा अभी 20 रुपया ज्यादा आ रहा है अन्य फार्मरों के अपेक्षा जी, तो मैं भी प्रयास करूंगा कि वो गलती कहाँ हो रहा है। ओके, जिससे मैं 20 रुपया ज्यादा तैयार कर रहा हूँ जी जी। और भी फार्मर है जो 220 रुपया से लेकर के 240 रुपया में तैयार करते हैं 2 kg, तो उनको भी अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अनुभव करना पड़ेगा कि मैं कहाँ चूक कर रहा हूँ। मैंने तो चूक किया, तो बताया जी, आपसे जी, कि मेरा 20 रुपया भी ज़्यादा लग रहा है। पश्चिम के जो फार्मर भाई हैं वो ज़्यादा अनुभवी हैं जी, वो 180 रुपया में 2 kg मुर्गा अपना तैयार कर लेते हैं। 180 रुपये में 2 kg जी। आपका सर लागत 200 रुपया जा रहा है 2 kg मुर्गा तैयार करने में जी। आप 2 kg करके ही सेल करते हैं जी? 2 kg ऑन एन एवरेज आपका यही रहता है जी। तो अभी आप सेलिंग सर कहाँ कर रहे हैं और क्या रेट जा रहा है? फार्मर 150 रुपया किलो बेचता है, कोई 120 बेचता है, कोई 100 में भी बेचता है, कोई मजबूर है तो 100 के नीचे भी बेचता है, कोई 200 रुपया में भी बेचता है। अलग अलग एरिया का अलग अलग अपना अपना रेट है। देसी में ब्रॉयलर का तो मात्र 1 रेट है पूरे भारत में, ब्रॉयलर का जब भी चलेगा 1 रेट चलेगा। कभी ऐसा भी आता है कि 200 का मुर्गा 200 में बेचना पड़ता है, कभी 250 में भी बेचते हैं, कभी 300 में भी बेचते हैं। समय के अनुसार मार्केटिंग के हिसाब से हाँ, आप इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। जब मुर्गे का प्रोडक्शन जी ज्यादा रहेगा तो मेरा भी मार्केट डाउन रहेगा। ओके, जब ब्रॉयलर का प्रोडक्शन कम रहेगा तो मेरा रेट हाई रहेगा। ओके सर, सेलिंग भी हो रहा है जी, तो अभी आप मार्केटिंग कहाँ कर रहे हैं, होलसेल या लोकल? नहीं है, हमारे कट्टर भाई आते हैं जी अलग अलग शहरों से। ओके,
130 रुपये से लेकर के 150 रुपये प्रत्येक केजी के हिसाब से इस समय फार्म का रेट है और बिक्री हो रहा है। मेरे पास डबल FG था 1500 और 1500 3 FG था। तो 1500 तो डबल FG हमने बेच दिया और 3 FG में से भी लगभग 300 हमने बिक्री कर दिया है। अभी आपका बिक्री चालू है? हाँ, बिक्री चालू है। ओके, तो अभी आपके पास कितना बचा है बर्ड? इस समय हमारे पास 1300। 1300 जी। तो इतना बड़ा फार्म सर मैनेज करने के लिए आपके द्वारा तो नहीं, स्टाफ के द्वारा मैनेज किया जा रहा होगा। कितना स्टाफ रखे हुए हैं आप? दो स्टाफ पूरे फार्म को मैनेज कर रहे हैं जी। ओके, स्टार्टिंग नए फार्मर को कितने मुर्गी से स्टार्ट करना चाहिए? पहला मेरा सलाह तो ये है कि बगैर जाने पहले पढ़ ले, समझ ले, प्रैक्टिकल अनुभव कर ले किसी सफल फार्मर के फार्म पे रह करके, उसके बाद से आप खुद ही इस पोल्ट्री के बिजनेस के मास्टर हो जाएंगे। तो आप 500 से करें, 1000 से करें, 2000 से करें, जब आपको ज्ञान प्राप्त है तो कहीं आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। एक्सपीरियंस लेने के बाद ही मतलब फार्म स्टार्ट करें, बगैर प्रैक्टिकल करने के बाद ही फार्मिंग दुनिया में आए। अपने उत्तर प्रदेश में लगभग 14 प्रकार की फार्मिंग होती है, 14 तरह का ब्रीड है। ब्रॉयलर पे करना है कि सोनाली पे करना है कि 4 FG पे करना है कि डबल FG पे करना है, उपलक्ष तय कर लें कि हमको इसी ब्रीड पे फार्मिंग करना है और उस फार्मर के पास जा कर के पूर्ण रूप से जानकारी हासिल कर लें और देसी के लिए क्रायलर फीड का प्रयोग करें और ब्रायलर के लिए ब्रायलर फीड का प्रयोग करें। देसी को आप ब्रायलर खिला रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, और ब्रायलर को आप देसी फीड खिला रहे हैं तो उसका ग्रोथ ही नहीं होगा, ग्रोथ ही नहीं होगा। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे दिखा दें कि यहाँ पे प्रधान जी का मुर्गा सेलिंग भी हो रहा है, तो कैसे हैं सर जी? बढ़िया है। कैसे मुर्गा खरीदे हैं? 130 रुपये के जी खरीदे हैं। 130 रुपये अभी के जी खरीदे हैं जी, जी। ये जो आप मार्केटिंग कहाँ कर रहे हैं, ये जो कटर या होलसेल में कहीं सप्लाई करें? होलसेल सप्लाई है, तो होलसेल में आप 130 रुपये के जी उठा रहे हैं यहाँ से? क्या बात है, 300 पीस उठा रहे हैं यहाँ से, अभी 300 पीस उठा रहे हैं। तो आपका डेली का सेलिंग होता है? डेली बढ़िया सेलिंग है, डेली बढ़िया सेलिंग है। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बेहद ही शानदार देसी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में जानकारी था, ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बोलना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।